हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्मार्ट आंसर सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्मार्ट आंसर सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको है ना ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट आंसर का। स्मार्ट आंसर इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको है ना टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा। अब ये स्मार्ट आंसर सेटिंग जो है ऑन होने के बाद कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन पर कभी भी कॉल आएगा ना, इनकमिंग कॉल आएगा, तो ग्रीन कलर का जो बटन आपको शो होता है ना, एक्सेप्ट या रिसीव या पिकअप लिखा होता है, तो आपको ग्रीन कलर का बटन टैप नहीं करना है, यानी कि दबाना नहीं है। आपको करना क्या है, कभी भी कॉल आएगा ना तो आपको अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ना है और अपने सीधा कान के पास लेके जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो इनकमिंग कॉल है ना ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना स्मार्ट आंसर ऐसे काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये स्मार्ट आंसर सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्मार्ट आंसर, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्मार्ट आंसर का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।